वेलकम टू चैनल, वी आर बैक फॉर अनदर वीडियो। तो फाइनली हम आ चुके हैं बजाज के शोरूम में और आज हम बात करने वाले हैं पल्सर NS 200 के बारे में। 2023 मॉडल है मेरे ठीक सामने, जैसे कि आप सब देख सकते हैं। फ्रंट का लुक दिखा देता हूँ, कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। साइड से देखेंगे तो गाड़ी ऐसी देखने को मिलती है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक के साथ आती है, जो आपको BMW S1000 RR में कलर देखने को मिलता है। सेम कलर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है पल्सर NS 200 में। देख लीजिए, पल्सर का लोगो आपको ऐसा कुछ देखने को मिल जाएगा। NS 200 आपको यहाँ पे लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा। उसके साथ साथ देखा जाए तो इस गाड़ी में मिलता है आपको ड्यूल चैनल ABS फर्स्ट टाइम ऑन 2023 मॉडल। इस बाइक की प्राइस की बात करें तो यहाँ पे प्राइस पड़ती है अराउंड पकड़ के चलिए 179,000 के आसपास। तो भाई बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त गाड़ी लुक के साथ आती है, उसके साथ साथ परफॉर्मेंस आपको काफ़ी ज़्यादा तगड़ा देखने को मिल जाता है। उसके साथ साथ यहाँ पे देखें तो इस गाड़ी में मिलता है आपको 130 सेक्शन का रियर टायर। फ्रंट टायर की बात करें तो आपको मिलता है 100 सेक्शन का। उसके साथ साथ देखा जाए तो इसमें मिलता है आपको क्लिप ऑन हैंडल बार, जो कि अपसाइड ऊपर की तरफ है, तो आपको चलाने में काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील होगा। उसके साथ साथ बात की जाए तो यहाँ पे इसमें मिलता है आपको 12 लीटर का फ्यूल टैंक, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मतलब आप लॉन्ग राइड्स पे लेके जाना चाहते हैं बिल्कुल लेके जा सकते हैं। इसमें एवरेज देखने मिलता है आपको 35 का। आपके ऊपर चलाने के ऊपर डिपेंड करता है कितना एवरेज दे देगा ये गाड़ी, बट मेरे हिसाब से 35 दे देगा आराम से, 30 to 35। और गाड़ी की आवाज़ सुनाते हैं आपको कैसी आवाज़ देखने मिलती है इसमें। आइडल RPM देख लीजिए कितना है, 2000। आवाज़ सुनाते हैं तो कुछ ऐसा आवाज़ आपको देखने मिलता है पल्सर NS 200 में। तो भाई पहली बात तो बोल दूँ इस गाड़ी को ख़रीदने के लिए कि भाई इस गाड़ी का लुक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। 200 आपको लाइट कलर में आपको देखने मिलता है, ब्लैक लाइट कलर में यहाँ पे नीचे की तरफ देखने मिल जाएगा। इस गाड़ी में मिलता है आपको 200cc का इंजन, जो प्रोड्यूस करता है 24.5 BHP के आसपास, और न्यूटन मीटर टॉर्क की बात की जाए तो 18 Nm का टॉर्क देखने मिल जाएगा। गैरिमा के कैलिपर देखने मिल जाते हैं फ्रंट में। ड्यूल चैनल ABS के साथ आती है बाइक, USD4 से देखने मिल जाएगा आपको। उसके साथ साथ देखा जाए तो LED इंडिकेटर्स का ऑप्शन नहीं दिया गया है, बट अगर आप LED इंडिकेटर्स लगवाना चाहते हो बिल्कुल लगवा सकते हैं, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लुक हो जाएगा। मेरे हिसाब से रेड कलर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा, अगर आप लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं, बिकॉज गाड़ी का लुक बहुत ज़्यादा अच्छा है 200cc कैटेगरी में। बाइक की प्राइस की बात करें तो यहाँ पे पहले से ज़्यादा प्राइस की बढ़ चुकी है, 4000 के आसपास इसकी प्राइस बढ़ चुकी है। सो गाइस, अगर आप ये गाड़ी को लेना चाहते हैं तो जेम्स बजाज में आ सकते हैं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त गाड़ी है, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे सिटिंग पोजीशन भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है पिलियन के साथ साथ, और मतलब जो राइडर है वो भी। तो भाई गाड़ी पे बैठने के बाद कुछ आपको ऐसा फील होगा, मैं बैठ के दिखाता हूँ। गाड़ी पे बैठने के बाद कुछ ऐसा फील होगा, हैंडल बार ऐसा आपके ठीक सामने रहेगा, चलाने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील होगा। एक बार गाड़ी को ऑन किया मैंने, ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद इंस्ट्रूमेंटल कंसोल में कुछ ऐसा फीचर्स आपको देखने मिल जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं गियर पोजीशन इंडिकेटर ऐड हो चुका है इसमें, और स्पीडोमीटर देख सकते हैं। मैक्स RPM की बात करें तो मैक्स RPM इसका जाता है, तो 10,000 इसका मैक्स RPM जाता है। एक बार इस गाड़ी को चला के देखते हैं और बताते हैं कैसी परफॉर्मेंस आपको देखने मिलती है इस गाड़ी में। सो गाइस, अगर मैं कंपेयर करूँ इसकी गाड़ी के परफॉर्मेंस R15 से, तो R15 से बेटर परफॉर्म करती है। एज अ इनिशियल में मुझे काफ़ी अच्छा फील हुआ, काफ़ी अच्छा टॉर्क दिया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ इंजन प्रोवाइड किया गया है, काफ़ी ज़्यादा रिफाइन इंजन है। तो अगर आप बिल्कुल लेना चाहते हो तो बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि 179,000 में ऐसी कोई गाड़ी मिलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसका लिक्विड कुंजी इंजन है प्लस परफॉर्मेंस भी इतना अच्छा है। सो गाइस, मेरा वीडियो यहाँ पे खत्म हो रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल।